बिग बॉस ने खोली प्रतीक सहजपाल की किस्मत और ये खुद प्रतीक सहजपाल ने कहा है कि कैसे उन्होंने एक ही शो साइन किया था और अब उनके हाथ में कई बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं और दो शोज उन्हें बिग बॉस के करने का मौका मिला है। क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। हेलो एंड हाय एवरीवन, दिस इज केशवी एंड वेलकम टू आवर चैनल। जी हाँ, प्रतीक सहजपाल बिग बॉस OTT के फाइनलिस्ट रहे और उन्होंने जो मौका उन्हें मिला है वो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। जी हाँ, मौका की बात करें तो उन्हें मौका मिला था बिग बॉस OTT में कि जो भी वो ब्रीफकेस उठाएगा उसे डायरेक्ट एंट्री मिलेगी बिग बॉस 15 में, लेकिन वो जो है वो उसी समय इविक्ट हो जाएगा इस घर से, बिग बॉस OTT से। वहीं प्रतीक सहजपाल ने मौके का फायदा उठाते हुए वो ब्रीफकेस उठा लिया और डायरेक्ट एंट्री ले ली है बिग बॉस 15 में। अब इसको लेकर प्रतीक सहजपाल काफी ज्यादा खुश हैं और वो अपने आप को बहुत ज्यादा खुशकिस्मत मानते हैं और साथ ही में बिग बॉस को भी थैंक यू करते हैं कि उन्हें बिग बॉस की वजह से ही जो है ये अपॉर्चुनिटी मिली है और किस तरीके से बिग बॉस ने उनकी किस्मत खोल दी है, यानी कि उन्हें अपने आप को प्रूव करने का मौका मिल गया है। बिग बॉस OTT में भी फैंस ने प्रतीक सहजपाल का गेम काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था, उनकी फैन फॉलोइंग दिन पे दिन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। अब बिग बॉस 15 में आ रहे हैं प्रतीक सहजपाल तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि फैंस को ऑलरेडी उनका गेम पता है, थोड़ा बहुत देखा हुआ है, लेकिन इस बार बिग बॉस 15 में प्रतीक सहजपाल किस तरीके से फैंस को खुश करते हैं, किस तरीके से अपनी गेम खेलते हैं, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनता है। वेल, आपको क्या लगता है इसको लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए और क्या आप प्रतीक सहजपाल को सपोर्ट करेंगे उनके बिग बॉस 15 के सफर में, तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। बिग बॉस से रिलेटेड तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।